हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो एक पर्टिकुलर छात्र के लिए नहीं है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो सीबीएसई के लिए भी होगी, अदर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी होगी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी होगी, और जो अदर एग्जामिनेशन है जैसे एनडीए वगैरह या फिर कोई और एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव टाइप, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि एक सवाल आता है हर एक पर्टिकुलर बच्चे का कि कैन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गिव पेपर इन हिंदी मीडियम। क्या अंग्रेजी माध्यम के छात्र हिंदी मीडियम में परीक्षा दे सकते हैं या नहीं? और ये यकीन मानिए, आप में से लगभग 90% ऐसे छात्र होंगे जो इस बात को लेके कंफ्यूज होंगे। और क्योंकि इसकी रियलिटी मेरे ख्याल से लगभग 5 या 4% बच्चे ही जानते होंगे, अगर मैं सभी एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेरे ख्याल से 1-2% ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन सभी एग्जामिनेशन के बारे में रियलिटी पता होगी कि ऐसा क्या मीडियम को लेकर एक बैरियर क्रिएट किया जाता है और क्या कारण होता है इस पर। वो सारी बातें, आप सभी के सवाल और मेरे आंसर और एक विश्लेषण के साथ में आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आप सभी को मीडियम को लेकर, लैंग्वेज को लेकर अब कोई टेंशन ना रहे। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को अपने सभी छात्रों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियोस को पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन होगा उसे भी दबा लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपके लिए ये एग्ज़ाम सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं कई सारी और वीडियोस लाने वाला हूं। पहले हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि है कैन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गिव पेपर इन हिंदी मीडियम। क्या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम में परीक्षाएँ दे सकते हैं? तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर है कि आप दे सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे कई सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं अदर एग्जामिनेशंस को लेकर। जैसे अगर मैं एक छोटे लेवल की बात करूँ, हम देखते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके सीबीएसई के हो गए या फिर अदर बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गए या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो गए, तो इन जनरल आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर मल्टी लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है कि आप कौन सी भाषा में देना चाहते हैं। और ये बोथ लैंग्वेज में पेपर प्रिंट करने का या फिर आप सभी को देने का एक पर्टिकुलर कारण है। वो कारण ये है, वो रीज़न ये है कि बच्चा अगर परेशान है, अगर इंग्लिश मीडियम में छात्र है, कन्फ्यूज़न हो रही है उसको लिखने में, तो वो चाहकर अपने मीडियम को चेंज करके, मतलब कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए वो मीडियम चेंज कर सकता है और वहाँ पर परीक्षा दे सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आप सभी देखते हो फ्रंट पेज आपको मिलता है, हर एक परीक्षा में आपको एक फ्रंट पेज फिलअप करना होता है जिसमें आपको मीडियम लिखना होता है, अपने कोर्स का नाम लिखना होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो आप वहां पर अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, आप कन्फ्यूज़न में हो कि ये पेपर आप इंग्लिश में नहीं दे पाओगे अच्छे से, हिंदी में दे सकते हो, तो आप फ्रंट पेज पे हिंदी मीडियम मेंशन कर सकते हो। और आप सभी को पता है जो आपका पेपर मिलता है, जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर, वो बोथ लैंग्वेज में होता है, बाईलैंग्वेज होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपको पास करना है, ना कि फेल करना मीडियम की वजह से। एक मीडियम को बैरियर नहीं बनाया जाता और ना ही टीचर्स ऐसा चाहते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी बोर्ड आपके पेपर्स को इस वे में कभी भी नहीं करता है। ठीक है, एक कारण आपको पता चला। अब बात करते हैं आपके अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। देखो, जितने भी एनसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके अदर बोर्ड सब्जेक्टिव टाइप को, सॉरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनमें आपको देखने को मिलता है कि वो सभी एनसीक्यू टाइप होते हैं, यानी बहुविकल्पिक, और जिसमें आपका ऐसे करके पेपर को सेपरेट किया जाता है कि एक साइड में तो इंग्लिश मीडियम दे दिया और उसी के साथ ही साथ आपके साथ में हिंदी माध्यम में भी क्वेश्चन को दिया हुआ है और ऑप्शन भी दिए हैं। तो वहाँ पर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो टिक करना है आपको, आप चाहे हिंदी मीडियम पे टिक कर दो चाहे इंग्लिश मीडियम पे, एंड में ओएमआर सीट पे तो आपको गोले ही करने हैं। तो वो गोला को करने के लिए आपको टेंशन थोड़ी लेना है कि हिंदी मीडियम के छात्र हूँ तो मैं छोटा गोला करूँगा, अंग्रेजी मीडियम का छात्र हूँ तो मैं बड़ा गोला करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ तो गोला ही करना है। तो वहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ये पेपर्स का जो एक लहजा है, एक तरीका है, उनको इस प्रकार सेट किया जाता है ताकि कभी बच्चों को ये ना लगे कि यार मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ और मेरे साथ में ये परेशानी हो गई। यही कारण होता है कि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके बायलैंग्वेज में भी दिए जाते हैं। और वहीं हम सीबीएसई की बात कर चुके हैं और आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की, तो वहां पर एक चॉइस मिल जाती है, वहां आपको फिलअप करना आवश्यक होता है कि वहां पर आप एक मेंशन कर दें फ्रंट पेज पे कि अगर आप हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में दे सकते हो, क्योंकि
जो आपके एग्जामिनर होते हैं, जो चेकर होते हैं, वो बेसिकली आपका फ्रंट पेज देखते हैं और वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा किस भाषा में, मतलब कि हिंदी मीडियम का छात्र है या इंग्लिश मीडियम का छात्र है, वो किस भाषा में पेपर लिखा है। वहाँ से उनको पता चलता है, वो बैकग्राउंड में नहीं जाते, वो ये नहीं देखते ये तो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, इसने हिंदी मीडियम में कैसे दिया, ये कोई उनको मैटर नहीं करता है। और कई बार आप लोग ये देखिए, जब आप पेपर देते हो तो छोटे मोटे पॉइंट्स आप कई बार इंग्लिश में भी लिख देते हो, तो उससे पेपर आपका कैंसिल नहीं होता। लेकिन हद जब हो जाती है, जब आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने दिया तो हिंदी में, लेकिन आप आधे से ज़्यादा बातें इंग्लिश में टेपे जा रहे हो, सब कुछ, मतलब कि आधे से ज़्यादा हिंदी लिख दी और आधे से ज़्यादा इंग्लिश लिख दी, फिर वहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ घोटाला, और आपका पेपर वहीं पे हो जाएगा कैंसिल। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि बायलैंग्वेज में चले जाते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको सेट किया जाता है बायलैंग्वेज में, लेकिन आप आंसर्स को बायलैंग्वेज नहीं दे सकते। उसका मेन कारण ये है कि आपकी एक लैंग्वेज या माध्यम चुनना होता है, आवश्यक है वो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। आप कभी भी गड़बड़ घोटाला ना करें, मतलब कि यार मिक्स ना कर दें, ठीक है। अब सब चीज़ एक ही में भर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो उस टाइम पे हिंदी मीडियम में दे सकते हो, बस फ्रंट पेज पे मेंशन कर देना। और एंट्रेंस में तो वो समस्या भी ख़त्म है, वहाँ तो कोई आपसे पूछने ही नहीं आ रहा आप हिंदी मीडियम के छात्र हो या इंग्लिश के, क्योंकि वहाँ तो आपको गोला ही तो करना है, ससुर गोला करने में क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ तो क्लियर है कि आपको, यहाँ ऐसा तो नहीं है कि हिंदी मीडियम के छात्र छोटा गोला करेंगे, अंग्रेजी मीडियम के छात्र बड़ा गोला करेंगे, ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो सिर्फ आपको पेंसिल से टिक करके आना है, पेन से टिक करके आना है कि गोले पे निशान लगाना है, OMR शीट पे आपकी टेंशन ख़त्म। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर जो विश्लेषण से रिजल्ट निकला है वो ये है कि आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं या इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, आप दूसरी भाषा में पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपको फ्रंट पेज पे मेंशन करना होगा। एंट्रेंस में आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आप किसी भाषा में दीजिए, OMR सीट पे आपको जाके गोला ही करना है, ठीक है। तो आज ही इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपका ये पर्टिकुलर डाउट क्लियर हो गया हो। अगर कोई और डाउट है या क्वेरी है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप लोग मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आप सभी की सजेशन का वेट रहेगा, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस मिलती रहें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ ही ज्वाइन बटन को भी दबा लें ताकि आप सभी लोग हमें एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन डोनेट करके आप सभी लोग हमारे चैनल के एक परमानेंट मेंबर बन जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।